हेलो गाइस, दिस इज अवेश कृष्णा एंड वेलकम टू वंस अगेन योर फेवरेट चैनल क्वार्टरबैक गाइड एजुकेशन। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है और बहुत बोरिंग लगता है आपको याद रखना, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी बहुत डिफिकल्ट होता है याद रखना। एज अ डेंटिशियन हमको पता होना चाहिए क्रोनोलॉजी, सारे मैंडिकुलर एंड मैक्सिलरी आर्मामेंट एंड डेसिडुअस सारे टूथ के। तो हम अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं और फॉरगेट भूल जाते हैं हमेशा। तो आज मैं जो तरीका बताऊंगा अगर उसको फॉलो करेंगे, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं कि अब कभी नहीं भूलेंगे। सो इस फार्मूले को, उसमें जो सिंबल्स बताऊंगा उसको फॉलो करिए। ओके, थैंक यू। ओके गाइस, तो डेसिडुअस डेंटिशन में क्रोनोलॉजी बहुत सिंपल मैं बताऊंगा। सारे डॉट्स जो हैं, जो ऊपर के डॉट्स हैं वो मैक्सिलरी डेंचर को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे के डॉट्स मैंडिबुलर। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है इरप्शन मैंडिबुलर सेंट्रल कैनाइन का। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैंडिबुलर सेंट्रल कैनाइन, देन मैक्सिलरी सेंट्रल कैनाइन, उसके बाद मैक्सिलरी लैटरल कैनाइन, मैंडिबुलर लैटरल कैनाइन, देन सेम टाइप पे इरप्शन होता है मैंडिबुलर लैटरल कैनाइन के बाद जो मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर मोलर सेम टाइम पे इरप्ट होते हैं, सेम टाइम पे मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर मोलर। तो ये मोलर थे, एक मिनट, हम मोलर पे जंप करते हैं, ठीक है। मैक्सिलरी मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर सेम टाइम पे इरप्ट होते हैं, यहाँ आ गए। उसके बाद मैक्सिलरी कैनाइन इधर आ गए, मैक्सिलरी कैनाइन की तरफ, देन मैंडिबुलर कैनाइन, देन मैंडिबुलर सेकेंड मोलर हैं मैक्सिलरी सेकेंड मोलर। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप ऐसे उल्टा यन से शुरू करेंगे, ये फिर यन बनाएंगे उल्टा, उल्टा यन के बाद आप जो है ऐसे घूम के फिर ओ बनाएंगे, फिर यल बना देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका ट्रेसिंग हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ डेसिडुअस डेंटिशन। परमानेंट डेंटिशन में सबसे पहले फर्स्ट मोलर आ जाते हैं, मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर आ जाते हैं, उसके बाद शुरू होते हैं मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर से। तो ट्रेसिंग करिए, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, देन मैंडिबुलर लैटरल इंसाइजर, मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर, देन मैंडिबुलर कैनाइन नीचे आएंगे, फिर यहाँ से मूव करेंगे मैक्सिलरी फर्स्ट प्री मोलर। मैक्सिलरी फर्स्ट प्री मोलर मीन्स यहाँ आएंगे और फिर मैंडिबुलर फर्स्ट प्री मोलर नीचे आ गए और फिर मैक्सिलरी सेकेंड प्री मोलर, मैक्सिलरी सेकेंड प्री मोलर फिर से ऊपर गए, फिर मैंडिबुलर सेकेंड फ्रीमोलर डाउन आ गया। ओके, उसके बाद मैक्सिलरी कैनाइन की ओर जाके स्टॉप कर देते हैं, ये गए रुक गए। ओके, तो ये एक सीक्वेंस इधर हो गया। अब इसके बाद मैक्सिलरी कैनाइन के बाद हम मूव करेंगे मैंडिबुलर सेकेंड मोलर एंड मैक्सिलरी मैक्सिलरी सेकेंड मोलर। तो ये मैंडिबुलर सेकेंड मोलर एंड मैक्सिलरी सेकेंड मोलर, देन मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर थर्ड मोलर सेम टाइम ये आ गए। तो ये तीर ऐसे, ये तीर ऐसे, ओके, ये तीर ऐसे और ये डायग्राम। तो सबसे पहले इसमें कैसे याद रखना है, ठीक है, सबसे पहली लाइन आपको ब्लैक कलर से मैं ये दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मोलर आ जाते हैं, फर्स्ट मोलर आ जाते हैं, सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। फर्स्ट मोलर आ जाएंगे मैंडिबुलर
एंड मैक्सिलरी। उसके बाद ये अराउंड फर्स्ट मोलर जो आते हैं 6 ईयर में आ जाते हैं, तो 6 ईयर में ही आते हैं 6 ईयर, ओके। उसके बाद 7 ईयर में, 6 ईयर में ही हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, 6 ईयर में मैक्सिलरी सॉरी मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजन, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजन 6 साल में आया, 7 साल में मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर आ गया, फिर मैंडिबुलर लैटरल इंसाइजर 8 में आया, 9वें साल में मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर आ गया, फिर 10वें साल में मैंडिबुलर कैनाइन आ गया, फिर 11वें साल में मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर, मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर के बाद मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलर आ गया आपका, ओके। ये आपका 10-10 सेम है उसी समय, ये फर्स्ट प्रीमोलर और ये 10वें 10वें में आता है, देन आपका 11 साल में आया मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर, उसके बाद 11वें साल में ही आ गया सेकेंड प्रीमोलर, और फिर 11वें साल में ही, और फिर 12वें साल में आया मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर, तो 12 साल ये स्ट्रक्चर हो गया। फिर 13वें साल में आया सेकेंड मोलर मैक्सिलरी, पहले मैंडिबुलर सेकेंड मोलर फिर मैक्सिलरी सेकेंड मोलर, एंड लास्ट 18 साल में ये दोनों 18 साल और उसकी कभी भी मतलब अराउंड 18 साल मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी थर्ड मोलर आते हैं। तो ये रहा परमानेंट डेंटिशन एज वाइज, आप इस क्रोनोलॉजी को कभी नहीं भूलेंगे, एक बार बना के ड्रॉ करके अपने सेट कर लीजिए, नहीं भूलेगा, गारंटी है। थैंक यू।